हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। कल मैंने अनियन ली थी और मैंने ऐसे ही रख दी थी। आप सभी को पता है कि कल मेरे घर में क्या हुआ था। अगर नहीं पता है तो इससे पहले वाला व्लॉग देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। यहाँ पर मैंने बनाया था पनीर टिक्का मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में, और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया तो थोड़ा से ये जो है टाइट हो गया है। बहुत थोड़ी सी पनीर थी घर में तो उसी से बना लिया, क्योंकि तेजस ज़िद कर रहे थे कि मुझे खाना है, तो मैंने ये बनाया था पनीर टिक्का। और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने बहुत पहले व्लॉग में शेयर कर दी थी, और साथ में मैंने आलू वाले जो है कुलचे मंगाए थे और नान मंगवाया था ऑनलाइन, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा रोटी बनाने का, आप समझ सकते हो। साथ में ये था, दाल थी और चटनी थी, मैंने रोटी के साथ मंगवाई थी। बस ये हमारा आज का लंच है। आप यकीन नहीं करोगे, मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, एक ज़रा से भी पिंच ऑफ खाना बनाने का आज बिल्कुल मन नहीं था। तो बस मैंने ऐसे ही काम चलाऊ वाला सारा काम किया है आज खाने में। और मैं गई थी हस्बैंड को लेकर डॉक्टर के यहाँ, तो उनके यहाँ जब मैं वापस आ रही थी डॉक्टर के यहाँ से, तो यहाँ पर मैं मुझे फालसे दिखे, तो मैंने फालसे ख़रीद लिए। मुझे बहुत सालों बाद ये चीज़ दिखी थी, मैंने सोचा कि तेजस को ज़रूर खिलाएंगे, टाइम जो है तेजस खाएंगे इसे। कहते कहते तो तेजस खाओ और बता, फाल से खा के देखो जैसे खाया जाता है। अरे खाओ, नहीं पा खाओ। कितना खट्टा है। तेजस ने इसको फर्स्ट टाइम खाया था, इसीलिए स्पेशली मैंने लिया था, क्योंकि उनको भी टेस्ट करना चाहिए। ये सब भी चीज़ें होती हैं खाने वाली, पिज़्ज़ा बर्गर के अलावा भी, तो ये मैंने जानबूझ के लिया था। तो 9-10 साल बाद मैं फालसे खा रही हूँ। मम्मा मीठा नहीं, उनसे कहो जिनसे लिया। कहीं दिखते ही नहीं थे ये फालसे, कि कहीं दिखते हो मम्मा उनसे कहो ना, वो मीठा, ये मीठा नहीं देखी क्या, खराब है। खराब नहीं, सही है, मीठा नहीं एक भी। ये ऐसे ही होते हैं जो हल्के से दबे हों वो खाओ। तेजस ने तो फर्स्ट टाइम खाया है ये। बहुत टेस्टी लग रहा है। बस पता नहीं क्या बेचने आया है। तो शाम का समय है, मैं आ गई हूँ किचन में और मुझे फटाफट जाना था। कहाँ जाना था ये अभी आपको आगे पता चल जाएगा। मेरी लाइफ में बहुत सारा कहते हैं ना, मैसी हो चुकी है, बहुत उलझन भरी हो चुकी है। एक बड़े होने की जिम्मेदारी भी निभानी है, सबको खुश भी करना है। ये सब कुछ करते करते बहुत ज़्यादा मैं खुद आपको क्या बताऊँ, मैं खुद को भूल चुकी हूँ। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने जो आलू लिए थे उसको रख दिए हैं, और मैंने एक तरफ तेल चढ़ा दिया है और एक तरफ मैं आटा सान रही हूँ, क्योंकि जब तक हमारा तेल होगा तब तक के हमारा आटा सन जाएगा, क्योंकि सरसों का तेल होने में टाइम लगता है। तो फटाफट मैं कैसे काम करती हूँ, एक हाउसवाइफ कैसे काम करती है, ये सब आपको आज देखने को मिल जाएगा। मल्टीटास्क है। कभी लाइफ में कुछ ऐसे दिन, ऐसा समय आता है कि जहाँ पर आपको अपने घर के साथ साथ सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, एक बड़े होने की वो सब आपको करना पड़ता है। इससे पहले भी आपको मैंने शेयर किया था कि मैं नंद के घर गई थी, और वहाँ पर मैंने क्या घर क्या हॉस्पिटल गई थी, तो आप सबके साथ शेयर किया था। और यहाँ पर मैंने सब्जी को छौंक दिया है, मैंने आज भिंडी की सब्जी काटी है, तो भिंडी की सब्जी मैंने छौंक दी है। जब तक हमारी भिंडी की सब्जी होगी तब तक के हम बर्तन धुल लेंगे, जो लंच और ब्रेकफास्ट के थे मॉर्निंग में, तो सब मैं धुल लूँगी, और ताकि मुझे जब मैं वहाँ से आऊँ तो मुझे आराम रहे, सारा काम सिमटा हुआ मिले और सारी चीज़ें हुई हों तो मुझे ही आराम रहेगा, ताकि मुझे और काम करना ना पड़े, क्योंकि मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि मैं कितने बजे वहाँ से आऊँ। तो फटाफट मैं बर्तन मांजूँगी, और यहाँ पर देखिए जो है मैं कह रहा हाथ कितनी जल्दी चल रहा है, मेरा जो है आंखें वहीं पे हैं कि सब्जी हुई है कि नहीं हुई है, ऐसा तो नहीं चिपक रही हो। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में इस समय चल रही थी, बस ये हो रहा था कि फटाफट काम करें और काम हो जाए। तो बर्तन धुलने के बाद जो है मैं आ गई थी रोटी बनाने। एक तरफ हमारी सब्जी चढ़ी है और दूसरी तरफ जो है मैं रोटी बना रही हूँ। पसीने से इतना मैं
नहा चुकी थी, जैसे कहते हैं इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है। और इस समय टाइम हो रहा होगा शाम के 4:30 या 5 बज रहा होगा, तब से मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था, तैयारी करते करते 5 बज गया, आप सोच सकते हो। तो ये देखिए फटाफट हम बनाएंगे रोटी, क्योंकि अगर मैं बना के नहीं जाऊंगी तो आके बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। और मॉर्निंग में मैंने वैसे भी बाहर से मंगाया था, तो भाई इतना तो बजट नहीं है कि मैं मॉर्निंग में भी मंगाऊं और इवनिंग में भी मंगाऊं, तो इतना बजट नहीं है। तो एक हाउसवाइफ किस तरह से अपना फुल घर सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज करती है, एक मदर एक मॉम, आपको आज पता चल जाएगा। तो ये देखिए मैंने बनाई है नमकीन सिवैयाँ शाम का नाश्ता, क्योंकि नाश्ता देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हस्बैंड वीक हो गए हैं, क्योंकि आप जानते हो कि उनकी तबीयत नहीं सही थी, मतलब कि एक्सीडेंट हुआ था, तो उसकी वजह से कोई बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने जो है सिवैयाँ नाश्ते में तेजस और तेजस के डैडी को दे दी हैं, चाय बना दी थी, और यही नमकीन सिवैयाँ मैं रख रही हूँ टिफ़िन में, क्योंकि मुझे जाना है हॉस्पिटल, आप सभी को पता है, तो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया है मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो मैं रेडी हो गई हूँ, आप मेरे कपड़े चेंज देख रहे होंगे, तो मैंने ये पैक कर दिया है टिफ़िन और फटाफट मैं निकलूँगी अब घर से बाहर। घर से निकल चुकी हूँ और रुद्र की तबीयत बहुत ख़राब है, उसका ऑपरेशन हुआ है, तो उसी को देखने जा रही हूँ। हस्बैंड घर में है, उनकी भी तबीयत नहीं सही है, आप सभी को पता है चोट लगी है, तो मुझे जाना है। तो रास्ते में नंद मिलेगी, वो मुझे पिकअप कर लेगी। बस चल चलते हैं हॉस्पिटल, देखते हैं उसका ऑपरेशन हुआ है कैसा है कैसा नहीं है। पहुंच गए हैं और मैंने वॉइस म्यूट कर दी थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और सब मुझे ही देख रहे थे हॉस्पिटल में। तो ये देखिए हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल, आप सभी जानते हो कि ये हॉस्पिटल कौन सा है, ये है विवेकानंद हॉस्पिटल। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, बाय।